हाँ हेलो, आप मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। क्यों? मैंने तो आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। आपको कहां से लगा कि मैं आपको कॉल करूंगी? क्योंकि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और उसकी मानता भी हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं देखें, आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी है ना, मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? वही जैसा आपको लग रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर किस तरह पसंद करती है? ठीक है, आपको क्लियर अल्फाजों में सुनना है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपके बारे में वैसा बिल्कुल नहीं सोचती जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं। इसलिए इस किस्से, इस कहानी, जो कुछ भी है, इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए। देखिए माया, मैं बाबा की इज्जत पे कोई बात नहीं आने देना चाहती। और हमारी, मैं अपनी हैसियत से आगे बढ़ के कुछ सोचना भी नहीं चाहती। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को खत्म कर दीजिए। मैं ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और जानता भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। उस दिन वक्त पर ना पहुंचने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, प्लीज। मैं आपको इनकार करने के लिए आई थी। उस दिन वहां तुम्हारा ना आना इनकार था और आना इकरार था, और तुम आई तो क्या इसे मैं इकरार ना समझू? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहां पे सिर्फ आपको इनकार करने के लिए आई थी। इससे बढ़कर मेरे दिल में और कुछ नहीं है। एहसान कीजिए मुझ पे मायर, भूल जाइए। नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक दफा तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं आपसे नहीं मिलूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। क्यों घर आ जाता हूँ? तो ना मैं आ सकता हूँ और ना तुम मुझे मिलने आ सकती। इसके अलावा कोई और रास्ता है तो मुझे बता दो। नाय, जब आप मेरा जवाब जान चुके हैं तो आप क्यों घर आना चाहते हैं? क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? नाया, मेरा यकीन करो, इस एक मुलाकात के बाद मैं फिर कभी भी नहीं कहूंगा तुम्हें मिलने को। नाया बेटा, बेटा सब ठीक तो है ना? जी जी सब सब ठीक है। अरे तो फिर इस तरह घबराई भी क्यों? किसी की कॉल आई है? जी माँ, वो कोई रॉन्ग नंबर था, शायद किसी अपने को, किसी अपने से ही बात करनी थी, पर वो मैं नहीं थी। चलो ठीक है बेटा, आओ ना चाय पिए। आजा मेरा बेटा, आजा, तेरा इंतजार कर रही हूँ।